मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अभी कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया था कि 5 सितंबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी, क्योंकि उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस काफी सतर्कता बरत रही है। लेकिन इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान आया है। कमलनाथ ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि टिकट उसी को मिलेगा जो जीतने का मादा रखता हो। देखिए, हमारा मापदंड एक है, जो जीतेगा उसको टिकट देंगे। हम सर्वे करवा रहे हैं, हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मैं सबसे मिलता जुलता हूं, मुझे रोज 2000 लोग मिलते हैं। कल ही मुझे 2000 लोग मिले, मुझे लोग मिलते हैं, मैं पूछता हूं क्या हाल है आपके जिले का। वो आते हैं किसी और काम से, कोई शादी बारात में आ गया, कोई अपनी समस्या लेके आ गया। दरअसल बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए 39 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि बीजेपी की लिस्ट आने के बाद से कई जगहों पर बगावत शुरू है। कई जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता कर रहे हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है और प्रत्याशियों के चयन में देरी हो रही है। भोपाल से रविश पाल सिंह की रिपोर्ट MP तक।